सत सत श्री अकाल, की हाल है? बस बहुत बढ़िया। तो सुनाओ की हाल चाल। बस बढ़िया। कैमरा थोड़ा थल्ले करना पड़ेगा, तड़ी शक्ल कट रही है। हाँ राइट, बिल्कुल। मेरी आईडी पे होना चाहिए वैसे लाइव। मैं कहता हूँ नहीं ज्वाइन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हूँ ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और सुनाओ की हाल चाल। बहुत बढ़िया। वैसे सारे नु सत श्री अकाल मेरे वालों। मैं जी हरलीन सानी ते अपना जेड़ा शो है चिट चैट लाइव चल रहा है ते साडे नाल इस वक्त ओ ने जो स्लोली स्लोली सारे दे दिला विच राज कर रहे, यानी कि साहिब सिंह कोहली जी। बस माड़ी मोटी कोशिश कर दी, बस और कुछ नहीं। वैसे तो मुबारक है, सब तो पहला तुम्हारा सॉन्ग आ चुका है। थैंक यू सो मच। बहुत प्यार मिल रहा है गाने हाँ गाने नु बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। मैं कल भी देखे राती ते हुन दोबारा देखा कि व्यूज कमेंट्स किन्ने वध गए ने। बस घर ही आंदे। लोकल एंजॉयमेंट नहीं बनाया अपन लॉकडाउन च। गाना ये सब तो किदा? वर्टिकल आईफोन की रिकॉर्डिंग है। कुछ फोन से कोई स्टूडियो वोकल नहीं है, खाली आईफोन वोकल रिकॉर्डिंग है। कैमरा थोड़ा थल्ली कर लूं क्योंकि ना रिकॉर्ड हो रही है चीज ते यूट्यूब ते पेगा ते ताड़ा फेस नहीं आ रहा सही। हाँ तानू ठीक है, हुन बिल्कुल परफेक्ट है। फोन ठीक है। एक हाँ फोन मिनट फोन ठीक है। थोड़ा थल्ले और करना पड़ेगा, तानू नहीं पता लग रहा। नहीं मेनू नहीं लग रहा। अच्छा एक मिनट। ठीक है। और हाँ जी हूँ बिल्कुल ठीक है। सुनाओ की हाल चाल। मैं बहुत बढ़िया, तुसी दसो की हाल चाल? बस सब बढ़िया एकदम। क्या है मैं काफी जाने ने ज्वाइन कर लिया ते सत श्री अकाल भी बस बोले तुहाडे की कहंदे आ गाने नु बहुत प्रेज कर रहे ने। कोशिश करी थी माड़ी मोटी। अच्छा साहब जी, सब तो पहला जिदा अजकल कोरोना टाइम चल रहा है ना, सारे घरे बैठे हो तो हाँ तुसी जी ब्रेकअप सॉन्ग कार्ड दिता अपना काली जेड़ा आया है, ते ये पहली लिखा हुआ सी रिकॉर्डेड पहले ही सी का के ड्यूरिंग नहीं, लॉकडाउन? ये मेरा लॉकडाउन च मतलब प्लान बने। एक मेरे फ्रेंड का ब्रेकअप होया सी ते नाल ही नाल मतलब वो गाने च भी है, मतलब जिन्हें रैप किता ना गाने च। एक सेकंड रैप किता है, रे भूल गई तू सारी बातें किसी और की फोन पे जाते। उन्हां दा मेरा फ्रेंड है, मेरा चाइल्ड फ्रेंड है। उन्हां दा एज ए रैपर फर्स्ट सॉन्ग आया थे। एज ए एक्टर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। कनिका मान नाल भी किता है, बॉलीवुड राइट से भी, कई मूवी से भी काम किया, सीरियल से भी काम किया उन्होंने। राइट उन्होंने स्टोरी राइट सी कुछ, उन्हों की कोई फ्रेंड सी, उन्होंने टॉपिक दसा था, नाल ही लिखता मैं। घंटे से पूरा रेडी होया गाना। अच्छा। मैं वही क्वेश्चन लेके आई सी, मैं क्या ड्यूरिंग लॉकडाउन आप इधर उधर जा नहीं सकते क्योंकि ब्रेकअप ब्रुकअप हुआ शायद ताई सॉन्ग लिखा है नहीं क्या है। ब्रेकअप सॉन्ग है अपना, बट ब्रेकअप सॉन्ग ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप पार्टी टाइप सॉन्ग है। ब्रेकअप नॉट ब्रेकअप, ब्रेकअप राइट टाइप का कोई फील ही नहीं आना बिल्कुल। नहीं क्यों नहीं, काफी हद तक तुसी कुड़ी नु हमला किता है उस गाने च। बस जेडी गलती हुई माफ कर दो। एक पहले गाना आया सी और सुशांत जी ने ब्रेकअप कर लिया है ना, सुबह सवेरे जी ये कब सब कर लिया मैंने, वो कुड़ी ने मुंडे दी लिखा सीगा ते तुसी मतलब कुड़ी ले लिखता। नहीं मतलब उन्होंने क्या, मैंने हनी सिंह टाइप का गाना चाहिए। हनी सिंह का चलो उस्ताद है बहुत बढ़िया। उन्होंने क्या मतलब ब्रेकअप उस टाइप का चाहिए। मैंने चलो ट्राई करते हैं। मतलब जेडी कोई गलती होगी तो माफ कर दो। दो जाने तो मैसेज आए ने लव 0332 48 वाले दा ते साहब जी 1510 की कहंदे एक बारी गाना सुना दो तुसी। गाना सुनाई है, हाँ जी ब्रेकअप सॉन्ग सुनाई है। वही सुना दो। ब्रेकअप सॉन्ग, ब्रेकअप सॉन्ग, ब्रेकअप वाला गाना,
ब्रेकअप सॉन्ग, ब्रेकअप सॉन्ग, ब्रेकअप वाला गाना। अरे सुन री छवि, मैं हूँ तेरा कवि, तेरे पन्नों में पढ़ के रहूंगा, तेरे चलते दीपक की हर लू को दर्द मैं सहूंगा, तेरी बाबू सोना वाली बातें बहुत हुई तेरी गंदी रातें, बेबी मैं तो तेरा एक्स हूँ, तेरा पिछड़ा हुआ कोई बस इतना ही बहुत बहुत बढ़िया, मतलब स्पीड पड़ गई है। एक रैपिंग सिंगिंग मतलब सिंगिंग भी कर लेंदे है, रैपिंग भी मुश्किल है, दोनों अलग अलग पेस होंगे है। कैसी करनी बट किसी तो? सिखिया किसी तो भी नहीं है, बाकी उस्ताद मंदा मैं सुनील मट्टू ते जीत हरजीत हूँ, जिन्होंने मतलब आज लाइन च मतलब लेकर है। एक सब तो वड्डा मतलब मेरे उस्ताद है मतलब गुरी फतेह वाली, जो मतलब कई गाने थे मेरे लिरिक्स लिखते हैं, बाकी चली जाता है। अच्छा अगर थोड़ी स्ट्रगलिंग स्टोरी की गल करिए, इस लाइन च आना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई नहीं आ पाता, सपने हर कोई देखता है, बट आना, एक गाना कटना, लिरिक्स बनाने, सॉन्ग म्यूजिक वीडियो है ना, ते बहुत मुश्किल होता है, ते तुसी की दसना मतलब स्टार्ट कितों कीता? देखो स्टार्ट में कितना सी मतलब 2015 च पहला मेरा ऐसे एक्टर का गाना आया सी, गाने का नाम सी अज रोवां, ते अज दे बॉलीवुड स्टार है बंदे जिन्हां नाल मेरा गाना आया सी, जेड़ा तुसी गाना सुनया लौंग लच्छी दुनिया ते अपना तुमी है ना, उन्हां दे लिरिक्स राइटर कुणाल वर्मा, पहला गाना मेरा उन्हां नाल सी, मतलब एज ए एक्टर काम कीता सी। ते हुण मतलब 2019 च मतलब पहला गाना आया मेरा लक तेरा, ते हुण आया ब्रेकअप सॉन्ग, ते बहुत जल्दी एक बॉलीवुड से सॉन्ग भी आ रहा है मेरा, सरप्राइज है। अच्छा, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑलरेडी पहले ही। अच्छा, पेरेंट्स थैंक पेरेंट्स ने पूरा साथ दिता सीगा? यू। सब तो बड़ा मेरा पेरेंट्स ने भी चलो सपोर्ट की है, ते दूजा अपना मेरा भरा रहता है कपूरथले सिमरन बसीन, ते अच्छा उन्हां दी सब तो ज्यादा सपोर्ट मतलब हर चीज से, उन्होंने मतलब जो भी गल करता मैं उन्हां तो पहले सलाह करके फिर करता है, क्या बात उन्हां दा सब तो थैंक यू है सिमरन बसीन, है जे लाइव होंगे तो शायद देखते होने। थैंक अब देख रहे होंगे, अगर देख रहे हैं तो साडे वालों भी सत श्री अकाल दोनों यू, कमेंट जरूर करूंगा देखते होने नु, दा, कमेंट जरूर करो अगर देख रहे ने। बस कर ही जांदा है। अच्छा, तुसी एज अ एक्टर अज रोवा की है ना आई सिगा, ते एज अ हां जी सिंगर तुसी लक तेरा गाया है, लक तेरा है जो सुंदर। हां जी लक तेरा, ते जदों लक तेरा आया सीगा तुहाडा सॉन्ग, ते उस तो पहले तुसी एज अ एक्टर कीता, इदां क्यों तुसी एज अ सिंगर ही पहला सॉन्ग क्यों नहीं कीता? नहीं, पहला मैं ऐसे एक्टर हूँ, मैंने एक्टिंग भी नहीं आती, बस उन्होंने क्या बोले भाजी तुसी कर लो ते गाना रेडी कर रहे हो, तो अभी लोग सानू रोल चाहिए मतलब कोई सिख बॉय होए, ते उन्होंने सपोर्ट करके फिर नाल ही मैं काम किया, ते रोना भी पिया उस गाने से बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग थी, तो फिर रोना ही सब तो बड़ी एक्टिंग है, हंस हर कोई लैंदा, रोना नहीं आंदा बस एक्टिंग नहीं रोना भी है, ते मतलब चलो एक सरदार बंदे नू सपोर्ट करनी बहुत सब तो बड़ी चीज है, में। राइट, बाकी बिल्कुल आजकल कोई मतलब चलो दिलजीत भाई के चक्कर से बहुत ज्यादा हो गए लाइव, मतलब हर बंदे सपोर्ट करता है, बट पंजाबी गाने का अलग क्रेज है, बस जयपुर से जो राजस्थान से पंजाबी गाना मतलब बहुत सलूट है उन्होंने। ते जिदा पंजाबी इंडस्ट्री ट्राई कीता, तुसी हुण तुसी कह रहे हो बॉलीवुड च आन लगा, ते पंजाबी च नहीं ट्राई करना, सिद्धे बॉलीवुड च जाना? नहीं पंजाबी गाने मेरे आ रहे हैं, मतलब 3-4 गाने मतलब एल्बम है पूरी, 5 गाने भी, एक तो गोरा गोरा रंग गाना आ रहा है, एक आ रहा है मेरा नस सोनी है, अच्छा एक गोरा गोरा रंग हो सकता है नेक्स्ट मंथ रिलीज हो जाए, एक आ रहा है मेरा नस सोनी है, अच्छा ये दो एरे दो लाइन अलावा सुना कोई दूंगा। एरे अलावा तोड़ा कोई बिजनेस कुछ के सिर्फ सिंगिंग ही है तोड़ा प्रोफेशन? नहीं प्रोफेशनल सिंगिंग भी है मेरा, बिजनेस है पेट्स का, अच्छा ते डैडी का बिजनेस वो संभालते हैं, नाल ही नाल फिर ऑटोमेटिकली लिरिक्स लिखने का काम हो जाता है, मतलब छोटी मोटी कोशिश कर लेंगे। एक ऊपर आया कि लक तेरा सॉन्ग एक बार सुना। साहिब नुआ गिया पसंद बली है तेरे कार दे भी हो मेरा जवान सोनी है तेरे गुरी दा तेरे बिना सुरता नहीं, लक तेरा टूट जो टूट जो, लक तेरा टूट जो करता। क्या बात है,
ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਰਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ। ये हर्ष मित्तल भाजी बहुत बड़े मतलब जेड़े लक तेरे दी वीडियो कीती है इन भाजी ने कीती है सब कुछ। ये अरविंदर खैरा भाजी नाल काम करदे हैं ते उना दी फोटोग्राफी करदे ते नाल मेरा फर्स्ट वीडियो कीता है ना हर्ष भाजी ने लक तेरा। अच्छा क्या बात है। ते जेड़ा ब्रेकअप सॉन्ग दा जेड़ा पोस्टर वगैरह भी रेडी कीता है वो भाजी ने मतलब आईडिया दे हिसाब नाल ही रेडी है सब कुछ। क्या बात। क्या मतलब सारे बहुत जेड़े सारे गाने आ जेड़े रहे हैं भाजी नाल। हाँ सारे जेड़े जेड़े देख रहे हैं तुसी मेनू भी फॉलो कर सकते हो। मेरा पेज ऊपर शो हो रहा है जी एंकर हरलीन सानी दे नाम तो। एंड अपा शो लेंदे रहने आर्टिस्ट दी स्ट्रगलिंग स्टोरी सुनते रहने हैं। ते साहिब जी एक सवाल रहेगा कि इदा दा कभी कोई मोमेंट आया कि तुसी बिल्कुल ही मतलब रब करे हजे तुसी स्टार्ट ही किता है ना ते हाँ इदा दा मोमेंट जी डाउन ही हो गए तुसी पूरे कि नहीं हो नहीं सकता इस डाउन लाइफ। देखो पता है मेहनत तो जरूरी है हर चीज। देखो टाइम चलो गाने तो चलो ठीक है चलते रहते हैं बट सब तो पहला इनकम सोर्स जरूरी है। ते कुछ ना कुछ छोटा भावे बिजनेस हो कुछ भी छोटा हो बिजनेस बिजनेस करना चाहिए बंदे नाले बिजनेस के नाल ही नाल मतलब बहुत चीजा मतलब होती है वो करनी चाहिए। बिजनेस नाल नाल करांगे नाल नाल अपने प्रोफेशन नु पढ़ांगे रहा ये नहीं हो जाएगा कि दो किश्तियां च पैर रखे बिना उधर देना इधर दे। नहीं, इदा कुछ नहीं। देखो देखो रात होंगी है बहुत है ना बिजनेस भावे सवेरे करे ठीक है भावे शाम तक 8 बजे तक करे घर तो 2 घंटे घर वाले नु देवे 10 बजे तक राती बहुत बैठी 12-1 बजे तक गाना लिखे। जब कोई सिंगिंग करना चाहता है कुछ भी करना चाहता है तो प्लीज जेडी जेडी है ना मतलब टैलेंट है करे बंदा ट्राई करे। अगर अगर तुहानू बॉलीवुड या बॉलीवुड तो सिर्फ यही गाने आन लग पन तुहाडा दिन रात ही गाने च ही हो जाए तो तुसी बिजनेस छोड़ दोगे अपना। नहीं नहीं बिजनेस तो देखो करना ही पड़ना है। देखो गाने तो आज है कल ना पता नहीं की होना। बिजनेस बहुत जरूरी है इनकम सोर्स बिजनेस जरूरी इनकम बहुत जरूरी है यार। मतलब साहू मुंडा है अपने बापू जी का। बिजनेस तो बहुत जरूरी है। तले कमेंट आया उर्वशी जी दा हिंदी च नाइस वॉइस साहिब तुम्हारा हर सॉन्ग बेस्ट होता है लेकिन ब्रेकअप सॉन्ग तो ढासू था। थैंक यू सो मच। बस हिंदी गाना मैं पहली बार ही कीता है एज ए रैपर एज ए लिरिक्स फर्स्ट टाइम ही कीता पता नहीं लोगों को कितना लग गया होना ब्रेकअप सॉन्ग। साहब जी तुहाडे लई एक गेम लेके आई सी रैपिड फायर मतलब कि सोचना नहीं है अद्धे हाँ सेकंड तो जी भी घट तुसी जवाब देना जो भी तुम्हारे माइंड से सब तो पहले आंदे ठीक हाँ जी हाँ जी है। स्टार्ट कर दे आप। बिल्कुल। सब तो पहला तुम्हारा फेवरेट जंक फूड केड़ा है जंक फूड मेरा सोचना मैंने नहीं नॉनवेज ज्यादा पसंद तो नॉन वेज पसंद है। नॉन वेज की मतलब स्पेशल खांदे हो तुसी। मटन ही पसंद है हाँ जी मटन पसंद है ज्यादा। ओके थल्ले आ रहे हैं कमेंट मोमोज पसंद है। तुसी भी दस सकते हो अपने सारे जिन्हां नु जो जो पसंद। अच्छा बॉलीवुड के पंजाबी इंडस्ट्री एक चुनना हो देखो पहला पंजाबी बाद च बॉलीवुड। मतलब सेफ खेल रहे हो दोनों पासे। नहीं सब तो पहला पंजाबी बाद च बॉलीवुड। ओके दिलजीत दोसांझ के एमी विर्क दिलजीत दोसांझ तानू छोटे कुत्ते पसंद है कि बड़े। छोटा ही वधिया लगता है बड़े तो भौंकते बहुत है। टेक्स्ट करना पसंद है कि कॉल। कॉल ही ज्यादा बढ़िया टैक्स से कौन है बंदा कॉल ही ज्यादा बढ़िया। कॉल ही ज्यादा पसंद है। अच्छा फेवरेट ब्रांड जेड़ा तोड़ा अपना तुसी पहनते हो ब्रांड केड़ा जारा क्लोथिंग ब्रांड जारा। जारा घूमना कितने पसंद है ट्रैवलिंग कितने पसंद कर दो घूमना मैनू जंगल च वाइल्ड लाइफ ज्यादा बढ़िया लग रही है जंगल च। जंगल अच्छा च। जंगल च। अच्छा कोई शेर शेर लभ्या है कभी जंगल च। जंगल शेर तो नहीं लगे टाइगर जरूर लग गया सी मैंने। रणथंभौर गया सी मैं थोड़े दिन पहला टाइगर दे बच्चे देखे ही छोटे छोटे अच्छा रियली डायनासोर हजे भी है कि नहीं। डायनासोर नहीं टाइगर टाइगर। अच्छा टाइगर पसंद है व्हाइट टाइगर के होते हैं वाइट तो जेब कितने मिलता है मतलब कोई जड़े मतलब साढ़े इंडिया दी सब तो फेवरेट राजस्थान जगह से एक रणथंभौर जगह है ते उधर मतलब वाइल्ड लाइफ ही है पूरा मतलब बनया हुआ पूरा
ਉਧਰ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਗਰ ਟੂਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਸ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ਬਦ ਜੋਏ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਐਨਾ ਮਾਰਵਾ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਲੋ 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 ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੇ ਐਂਕਰ ਹੱਲੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਹੈਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੈ ਸਿੰਗਰਸ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਦੇਖੋ ਗਰੋ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ 2,500 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮੀ ਡੇਲੀ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 45 ਡੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਟ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ FD ਵਗੈਰਾ ਤੁੜਵਾ ਸਕਦੇ ਬਟ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10% ਵੀ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 10% ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਓਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਵੇਂ 1,000 ਛੱਡੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦੋ 1,000 2,000 ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ 100-200 ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚ ਹੈ ਨਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਹੱਥ ਦੇ 2 ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਿਆ ਦਾਰੂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਚਲੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੋਇਸ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲਈ ਰਾਈਟ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 25-30 ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚਲੋ 15-20 ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ 10 ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ NGO ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਪਨਾ ਹੈ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾਈਏ ਜੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 15,000 ਸੈਲਰੀ ਆਪਾਂ 5,000 ਦੇ ਕੇ 20,000 ਬਣਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਫਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ NGO ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਉਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਾਤੀ ਕਿ ਜੋ ਔਰਫਨਸ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਓਲਡ ਔਰਫਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹਾਈਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਹੈ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੀ ਪਾਉਂਗਾ ਉਹਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਰਵਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤਾਊ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪਰ ਹੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਸੇ ਬਤਾ ਜਾਊਂਗੀ, ਇਸ ਬਾਰ ਤੁਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਫੋਰੈਸਟ ਮੇ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਫੋਰੈਸਟ ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਰਵਸ਼ੀ ਜੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓਗੇ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਬੀ ਬ੍ਰੈਕ ਦਾ ਇਹ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੀਪ੍ਰੈਕ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਓਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਸੈਡ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਾਣਾ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲੋਲੀ ਸਲੋਲੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੌਂਗ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰੈਪ ਗਾਇਆ ਨਾ ਜਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਸੌਂਗ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਮ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ। ਅਰ ਪੈਚਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਾ।
स्टार्टिंग हुन ब्रेकअप तो ही है बस इन्हां दी बैक टू बैक इन्हां दे पांच गाने आपां करते मतलब रेडी हो चुके हैं पूरे मतलब लॉकडाउन खत्म होने के बाद शूट ही करना है अच्छा नहीं अभी की काफी पता अच्छा टाइम कि मिल गया लॉकडाउन नहीं की अभी पता लॉकडाउन में कि काफी अच्छा टाइम मिल गया है हाँ जी बिल्कुल मैं ये कह रही थी कि पता कि सॉन्ग तो बाद पैचअप हो गया होवे कि नहीं यार इन्हें तो सॉन्ग ही करता नहीं, ऐसा कुछ नहीं वो कहते हैं ना एक पंजाबी च है सहेली बनती नहीं वीजा लगता नहीं तुहाडे लिए थले सा कमेंट आया मैं तुहाडे लिए भी पढ़ना चाहनी आ स्नाइक करा ने क्या है जी RRP इन द हाउस यानी कि राजेश जी कीप इट अप वो बता रहे किसका हैं जो कमेंट कीप है। इट अप आया किसका है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। आप हिंदी समझते हो पंजाबी भी समझ लेते हो ये हिंदी मैं समझते हिंदी हैं समझता हूँ हिंदी बोलता हूँ पंजाबी धीरे धीरे सीख रहा हूँ इनके अच्छा साथ रह के धीरे सीखना धीरे पड़ेगा मेरे को। धीरे हमें भी हम पहले यहाँ पे पंजाबी बोलते थे जब चंडीगढ़ गए हमें भी हिंदी सीखनी पड़ी नहीं, धीरे धीरे सीख रहा हूँ इनके साथ रहूंगा तो सीख जाऊंगा थोड़ा बहुत। बाकी इनके बहुत सारे अभी गाने आ रहे हैं मतलब राजे पिस्वानी के नाम से कर रहे हैं इनका नाम निकाला था अभी हमने रास्क बॉय अच्छा बट अभी इनके खुद के नेम से मतलब अभी बहुत अभी इनके गाने भी आ चुके हैं कनिका मान के साथ भी काम करा है इन्होंने एक हरियाणा के सिंगर है उनके साथ खो भी काम बैठेगा करा सॉन्ग किया एक है तो सी गाना सुनिया था खो बैठेगा विक्की तरोड़ी अच्छा जी। हुण बैक टू बैक मतलब अपने पांच गाने इन्हां दी नाल ही आ रहे हैं एक तो बस सुनिए आ रहा है और जे इन्होंने एज ए एक्टर काम किया है ते एज ए रैपर ते क्या हुण बात जेड़ा ब्रेकअप सॉन्ग से मतलब इन्हां नू फर्स्ट स्टार्टिंग दे दी आपां एज ए रैपर जेड़ा तुसी रैप सुनाना है मतलब सेकंड रैप रे भूल गई तू एको सुनाओ भाई तुसी दो लाइन रे भूल गई तू सारी बातें किसी और की फोन पे चाटे हम भी यहाँ पे दुनिया चलाते दुनिया को गोल घुमाते तुझे तो मैं जान गया कोई बॉयफ्रेंड की दुकान है ते बाहर लंबी लाइन देख के मैं हैरान हुआ तू ब्लॉक करू मुझे व्हाट्सएप ब्लॉक पे करता कि उन्होंने बिजनेस ब्लॉक कीता सीगा ब्लॉक करे तू व्हाट्सएप पे पे हर हर रोज रोज आशिक बदलती है लोगों को बस लूट लूट के उनके पैसों पे तू पलती है मजेदार भाई मतलब कुछ नहीं इन्ना खिज कुड़ियां तो थोड़ा थोड़ा तो मतलब बच देंदे बेचारी कुड़ी ने तुसी नहीं, ये इसके लिए बहुत माफी चाहते हैं हम लोग पाजी नु बहुत कि ज्यादा मतलब हर्ट किता है इन्होंने हर्ट दे सामने नहीं पाजी रोए भी बहुत है ते हाथ भी कटे हैं इन्होंने मोहब्बत सी बढ़िया ट्रू लव सी इन्होंने ते ट्रू लव दे नाल ही नाल आपा ब्रेकअप सॉन्ग करना हुण अज देखो कितने हैप्पी है पाजी कहते हैं ना दिल टूटता है कुछ टूटता है तभी वो हीरा भी बनता है कहीं आगे जाके क्या वैसे ही सबकी पता ये कहानी गाना होती है कुछ अच्छी लाइफ दे दी आपको हाँ और बताओ अपने बारे में आप कुछ नहीं ज्यादा ज्यादा प्यार चाहिए बस इस सॉन्ग को हम लोग को और साहिबिया का सपोर्ट रहा है हमें बहुत अच्छा एंड अभी आगे से आगे और सॉन्ग हम लोग निकाल रहे हैं तो यही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सॉन्ग आए उसको सपोर्ट दें अगर कुछ कमी लगे तो उसको एक सजेशन दें हमें बताएं कि वो चीज बिल्कुल आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा ताकि हम लोग उसको और इम्प्रूव कर पाए। सो मैं अभी आपको ये इसमें भी कहना कोई चाहूंगी कि पॉजिटिविटी से ज्यादा हमेशा नेगेटिविटी आती है ना अगर आपके 100 कमेंट्स है तो 90 नेगेटिव ही आएंगे 10 पॉजिटिव इग्नोर आएंगे बट वो नेगेटिव से आप खुद सीख लेना उनको कभी इग्नोर मत करना आगे नहीं बढ़ो करना जेड़ा अपना थोड़ा नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है उदी को दो लाइन सुना दो भाई वो भी तैयार होगा अभी धीरे धीरे अपना पूरा तैयार हो जाएगा तो वापस लाइव आके सुनाएंगे उसको अपना मतलब गोरा एक अगले महीने गाना आ रहा है मेरा गोरा गोरा रंग गोरा अच्छा मतलब गोरा नेक्स्ट गोरा मंथ रंग कुछ हो कुछ सकता है गोरा गोरा मतलब गोरा गोरा रंग गोरा गोरा रंग अच्छा तो गुरी मतलब पाजी ना लिखे बेस्टी गुरी किसी है उसमें भी ना 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 बेस्टी पंजाबी है मतलब लाइक ना मैं तुम्हें दो लाइन सुनाऊंगा उस गाने की मतलब इतना का गाना है गोरा गोरा रंग तेरा धुप विच चमके दस कित चलनी है पटोला जिया बन के चलनी क्या बात है पटोला दस कित चलनी है पटोला गुड्डिया सुमानी तो ले लग दे ना पैरनी मनु लगे मुंडे आदि अज बिलो खैरनी तेरे लिए लिया है गड्डिया जाना नू बैग जा तेनू मैं घुमावा अज चंडीगढ़ शहर गोरा गोरा रंग तेरा धुप विच चमके इदा दा गाना आ रहा है क्या बात है मैं वीडियो दे लगा नाल इस आ रहा परी है
हाँ मेरे लगा इतना ना कह दो इस बड़ी ऐसे बोल दो कि गोरा रंग ना मानना कर हुण ब्रेकअप भी करता, ब्रेकअप के नाल ही हुण गोरा कौन तीन करती कुड़ी भी जेडी कोई गलती हुई माफ कर दो ब्रेकअप सॉन्ग में फर्स्ट टाइम ही किता, बिल्कुल मतलब नहीं कभी चलो भरा ली एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट सारे करते हैं। एंटरटेनमेंट ही किता, कोई नेगेटिव कुछ ही ना सोचो, ना कोई कुड़ी नु मारा गया आपा कुछ इट्स नहीं, जस्ट अ रैप, इट्स जस्ट अ सॉन्ग फॉर मतलब टिकटॉकर्स। ये एक छोटा सा सॉन्ग है जो हम लोग ने टिकटॉकर्स के लिए बनाया है। दो रैप मतलब है एक जो अच्छे से कोई गाकर के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, आई थिंक नेटवर्क जो इशू आ स्टोरीज डालकर कर सकते हैं। इसलिए उस चीज के लिए हम लोगों ने बनाया है रैप। और लॉकडाउन में जितना हम लोगों से हो पाया कि हम एंटरटेन कर पाए हमने किया। बस कोई नेगेटिव ना सोचे इस गाने लिए, बस आई चलो थिंक ऐसे, बस चलो नहीं एंटरटेनमेंट ही है ये, बाकी चलो स्टार्टिंग है, चलो ठीक है, बाकी एंजॉय करूंगा, बाकी जेरा कोई माड़ा मुड़ा गया हो तो माफ कर दो, अगली बार से कोई गलती नहीं होनी इदा दी। लोकल ही एंटरटेनमेंट लिए आप हर चीज कर ली। चल एक कमेंट आया है कि यू गॉट बॉलीवुड टाइप ऑफ सॉन्ग्स। बॉलीवुड टाइप का सॉन्ग बस अगले महीने आया ना, अगले महीने तो नहीं, पारे मतलब अगले महीने बुलाया मैंने बॉम्बे, तो हो सकता है देखो या तो इस साल रिलीज हो जाए गाना या फिर अगले साल। वो गाना इदा का दो लाइन सुनाइए या नहीं सुनाइए पता नहीं। ठीक है, वेरी ऑल द वेरी बेस्ट टू यू बोथ, है ना। टीम वर्क करो ते अग्गे वधदे जाओ, ते होप कि होर साने सानू अच्छे अच्छे गाने सुनने नु मिला है। तरक्की तुसी करो कि बॉलीवुड बॉलीवुड दोनों च तुसी दोनों छाओ, है ना, तुहाडी देखो टीम मेन पूरी तो छाए। देखो जो मकसद है वो पंजाबी च है, बाद च बॉलीवुड है, पहला मेन पंजाबी, बिल्कुल पहला बिल्कुल बिल्कुल, तुसी जितने मर्जी पंजाबी छाओ, बस छाओ। बस कोशिश करी थी बस माड़ी मोटी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं तो तुम इजाजत लेनी है, तुसी लाइव जाना कर सकते बिल्कुल हो, नहीं तो मैं जा रही हूं। बिल्कुल बिल्कुल ओके एंड सारे नु बेनती है जी, मेनू फॉलो करो जल्दी जल्दी, मेरा ऊपर आ रहा होएगा एंकर हेलीन सनी दा हरलीन नाम। सानी नो, जितने जितने मतलब लोग की देख रहे हैं जितने भी उन्हें फॉलो करो ते, और की बोलते बस फॉलो करो, हैं मैं फॉलो दोनों करो ते, पूछना इना भी जेडी चाहती लाइव हूं। वीडियो है इनू शेयर करो, वध तो वध शेयर करो ते कीप सपोर्टिंग कीप लविंग YouTube से हरलीन भी सानी। पाएगी, रिकॉर्ड हो चुकी है नालो नाल, वी फॉर्मर से पेज से YouTube पे वीडियो पाएगी, साहिब जी ने भेज दी जाएगी, तो अपना आवाज आएगी। अच्छा इनू हाँ लाइक करो, फॉलो कमेंट करो, शेयर करो, हरलीन सानी नू सपोर्ट करेगा, करो। थैंक यू फॉलो सो द मच। सपोर्ट थैंक करेगा। ओके जी, यू थैंक यू, थैंक यू। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी।